सैन्य अभ्यास इंद्र 2018 का आगाज झांसी में दिखा भारत रूस की सेनाओं का दमखम। विश्व शांति मिशन के लिए पहल, वैश्विक आतंकवाद पर भी लगेगा लगाम। भारत रूस के बीच संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2018 का शानदार आगाज हो गया है, जो 8 नवंबर से 28 नवंबर तक झांसी के सैन्य स्टेशन बबीना के फील्ड फायरिंग रेंज में चलेगा। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत सैन्य स्टेशन में मार्च पास्ट और ध्वजारोहण के साथ हुआ। इसके बाद दोनों सेनाओं ने काफी जोरदार ढंग से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और दमखम दिखाया। साथ ही भारत और रूस की सेनाओं के बीच रणनीतिक कौशल बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। इस दौरान दावा किया गया कि इस अभ्यास से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और प्रभावशाली तरीके से लड़ने में मदद मिलेगी। भारत और रूस के बीच जारी इंद्र 2018 सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों द्वारा संयुक्त योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल करना और सैन्य युद्धक रणनीतियों के साथ साथ सैन्य हथियारों को समझना भी है। सैन्य अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की सेनाओं द्वारा टीम एकजुटता और ऑपरेशन के दौरान विशेष सामरिक स्तर को बढ़ाना है, जिसमें घेराबंदी, खोज, घरों की तलाशी, हैंडलिंग और विस्फोटों को निष्क्रिय करने की गतिविधियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन और वैश्विक आतंकवाद से निपटने के उद्देश्य के लिए आयोजित इस अभ्यास के पहले दिन समारोह को संबोधित करते हुए दोनों देशों के सैन्य अफसरों ने एक स्वर में भारत रूस की दोस्ती को ऐतिहासिक और सबसे पुरानी बताते हुए कहा कि इससे हमारे रिश्ते और गहरे होंगे।